हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई सेल्स नवंबर 2022 के विषय में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं डिटेल्स। फ्रेंड्स, ह्यूंडई ने नवंबर 2022 की ब्रेकअप सेल्स का डेटा जारी कर दिया है। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर से क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। वहीं नवंबर 2021 की तुलना में क्रेटा को पिछले महीने 29.33% की ग्रोथ मिली, यानी ईयरली बेसिस पर क्रेटा की 3021 यूनिट्स ज्यादा बिकी। और वहीं फ्रेंड्स, पिछले महीने ह्यूंडई क्रेटा की 13,321 यूनिट्स बेची गई। वहीं दूसरे नंबर पर कंपनी के लिए मिनी एसयूवी कही जाने वाली ह्यूंडई वेन्यू रही, और फ्रेंड्स वेन्यू की टोटल 10,738 यूनिट्स बिकी। ह्यूंडई के लिए ये दोनों ही मॉडल ऐसे हैं जिनकी 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी, और फ्रेंड्स वेन्यू को भी ईयरली 35.38% की ग्रोथ मिली। वहीं फ्रेंड्स, टक्सन की सेल्स कम रही, लेकिन इसे भी अर्ली बेसिस पर 128.70% की ग्रोथ मिली। और फ्रेंड्स, पहले नंबर पर रहने वाली क्रेटा की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 10,300 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 13,321 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स देखा जाए तो कंपनी को ईयरली बेसिस पर 29.33% का ग्रोथ हुआ है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर रहने वाली वेन्यू की बात करें तो इसकी नवंबर 2021 में टोटल 7,932 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 10,738 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी को ईयरली बेसिस पर 35.38% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, हम तीसरे नंबर पर रहने वाले नियोस की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 5,466 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 7,961 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, इस हिसाब से कंपनी को ईयरली बेसिस पर 45.65% का ग्रोथ हुआ है। और फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर रहने वाली i20 की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 4,391 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी टोटल 7,236 यूनिट्स बेची गई हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी को ईयरली बेसिस पर 64.79% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, पांचवें नंबर पर रहने वाली ऑरा की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 2,562 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 3,813 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को 48.83% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, छठवें नंबर पर रहने वाली अल्कजार की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 2,453 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 2,566 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, कंपनी को इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर 4.61% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, सातवें नंबर पर रहने वाली वर्ना की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 1,648 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में 2,025 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पर कंपनी को 22.8% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, आठवें नंबर पर रहने वाली टक्सन की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 108 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी 247 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, इस हिसाब से कंपनी को ईयरली बेसिस पर 128.70% की ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, नौवें नंबर पर रहने वाली कोना की बात करें तो फ्रेंड्स, इसे जल्दी लॉन्च किया गया है, तो इसकी नवंबर 2022 में टोटल 95 यूनिट्स बेची गई हैं। और फ्रेंड्स, दसवें नंबर पर रहने वाली सेंट्रो की बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल 2,141 यूनिट्स बेची गई थी। वहीं अब नवंबर 2022 में इसकी जीरो सेल्स रही। और फ्रेंड्स, इस हिसाब से ईयरली बेसिस पर कंपनी को -100% की डी ग्रोथ हुई है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल माई कार इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें।